हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है ड्रग डोसेज कैलकुलेशन ट्रिक। यहाँ पर हम बताएंगे कि किसी भी पेशेंट को कितना अमाउंट में ड्रग डोज देना होता है। इसको हम एक फॉर्मूले से समझेंगे, आइए इसको समझते हैं। पर गिवन है डी अपॉन एच इंटू बी इजिकल टू डोज। ओके, अब इसकी देखिए ट्रिक देखेंगे। डी मतलब होता है देना कितना है। ओके, एच मतलब क्या है यहाँ पर, है कितना अमाउंट। ओके, देना कितना है अपॉन है कितना इंटू वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास डोसेज। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए पेशेंट हैज बीन प्रेस्क्राइब 75 मिलीग्राम ऑफ पेथिडीन एस इंजेक्शन। इंजेक्शन के फॉर्म में इसको देना है। तो देखिए 75 मिलीग्राम क्या है मेरे पास, डिजायर डोज है, मतलब के डी है, मतलब देना कितना है। ओके, और स्ट्रोक स्ट्रेंथ अवेलेबल इज 150 मिलीग्राम इन 1 ml। अब ये कितना दे रखा है मेरे पास, देखिए अमाउंट जो अवेलेबल है कितना, वो है एच 150 और वॉल्यूम कितना है 1 ml। तो हाउ मेनी ml डू यू गिव द पेशेंट, पेशेंट को देखिए कितना ml इसका देना है। ओके, तो फॉर्मूला लगा दें, d मतलब देना है, h मतलब है कितना। ओके, तो b मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू डोज। तो देखिए यह आया मेरे पास d रखा 75 अपॉन h अमाउंट कितना है, अवेलेबल अमाउंट कितना है 150 मिलीग्राम इंटू 1 ml। और कैलकुलेशन करने के बाद आया मेरे पास 1/2 मतलब कि हाफ। ओके, हाफ मतलब 0.5 ml की मेरे पास आंसर आया। तो 0.5 ml पेथिडीन इंजेक्शन पेशेंट को यहां पर देना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए ऑर्डर जो है वो किया गया है कितना है 15 मिलीग्राम इस क्वेश्चन में। स्टॉक ऑन हैंड हाथ में कितना है 30 मिलीग्राम है। हाउ मेनी टैबलेट्स, टैबलेट्स जो है कितनी देनी है। ओके, तो देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी अपॉन एच देना है और वॉल्यूम कितना। अगर देखिए वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की जगह 1 ml यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब ऑर्डर यहाँ पर कितना आया मेरे पास, डी मतलब कितना आया, देना कितना है उसको 15 और है कितना मेरे पास 13 मिलीग्राम। तो 15 अपॉन 13 और देखिए ml की यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है, मतलब कि वॉल्यूम की यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, 1 ml या 1 रख सकता हूँ, 1 unit रख सकता हूँ। ओके, तो 15 अपॉन 13 इज इक्वल टू कितना आया, हाफ टैबलेट इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर कितना है 300 मिलीग्राम है। स्टॉक इन इस स्टॉक में कितना है 200 मिलीग्राम इन 1 tablet। हाउ मेनी टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स यहाँ पर उसको देनी है। तो देखिए डी ऑर्डर कितना है, डी मतलब देना कितना है और है कितना अवेलेबल एच। ओके, डी अपॉन एच इंटू वॉल्यूम से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आया देखिए 300 अपॉन 200 इंटू 1, देखिए वॉल्यूम की बात नहीं है तो 1 unit यहाँ पर रख देंगे। तो ये कितना आया मेरे पास 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 × 1/2। ओके, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ए पेशेंट इज ऑर्डर्ड 150 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन देना है, वो कितना देना है, वो देना है 150 मिलीग्राम। ओके, ऑन हैंड आर टेबलेट्स ऑफ 300 मिलीग्राम, ये क्या है मेरे पास अवेलेबल, मतलब के है। ओके, हाउ मेनी टेबलेट्स डू आई कीप, तो कितनी टेबलेट्स उस पेशेंट को देनी है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन में जो है डी दे रखा है, एच दे रखा है, बी नहीं दे रखा है। बी की जगह हम कितना मानेंगे, 1 unit कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आया डी अपॉन एच इंटू बी इज इक्वल टू डोज। तो देखिए डी कितना है 150, एच कितना है 300। ओके, तो इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर कितना आया 150 अपॉन 300 आया मेरे पास हाफ टेबलेट, मतलब के 0.5 ये अमाउंट देना है टेबलेट का। तो डोज यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर ली है। तो देखिए ये बेसिकली ये फॉर्मूला है मेरे पास, डी अपॉन एच इंटू एक्स रख सकते हैं, या मतलब के इसको बी मतलब के वॉल्यूम कितना है उसका, यहाँ से आ जाता है मेरे पास डोसेज। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। थैंक यू।